आफ्टरनून दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मेरे पीछे आमिर खान को देख रहे हैं। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में आई हूँ जहाँ पर सिर्फ आमिर खान ही नहीं, कई सारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं। चलिए आपको पहले दिखाती हूँ। मैंने ये कब कहा कि आपको सेलिब्रिटी दिखाती हूँ? यहाँ आए थे सो उनके साइन किए हुए लेटर्स, उनके फोटोज मैंने आपको दिखाए। सो मैं आज आई हूँ थाना में लक्की रेस्टोरेंट में। जी हाँ, लक्की रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशल अपनी बिरयानी के लिए। बट हम यहाँ पर सिर्फ बिरयानी नहीं खाएंगे और भी बहुत कुछ खाएंगे। क्या दिखाती हूँ, पर सबसे पहले ये तो देखिए मेरे साथ कौन आया है। हाँ, आज मेरे साथ आया राहुल। आज हम दोनों अकेले आए हैं बिरयानी खाने के लिए स्पेशली। तो देखें यहाँ पे क्या क्या मिलता है और उसका स्वाद कैसा है। इतना बड़ा तो ये मेन्यू है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। अच्छा मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको सिर्फ बिरयानी नहीं, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, बिरयानी, नॉन वेज प्लेटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको मेन्यू दिखाने जाऊँगी 2 मिनट उसमें लग जाएंगे, सो इतना टाइम नहीं है। आप ऑनलाइन इनका मेन्यू चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। हमारा खाना आ चुका है तो मैं तो कंफ्यूजन में हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले पिज्ज़ा पे टूटा जाता है, पिज्ज़ा से स्टार्ट करते हैं। की बात की जाए तो जो इसमें चिकन है उसको टिक्का करके डाला गया है, चीज़ काफ़ी अच्छा खासा डाला गया है। इसमें कैप्सिकम, ओनियन, पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा ज़्यादा ही है जिसकी वजह से ना थोड़ा सा स्पाइसी है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। पुदीना क्रश करके डाला हुआ है, इसे बहुत ही ठंडा और बहुत ही यूनिक टेस्ट आ रहा है इसका। मुँह में रखते ही जैसे पूरा जो चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, ऐसे मुँह में पूरा चीज़ घूम गया। इन्होंने इस पर रेड, ग्रीन, येलो बेल पेपर डाला हुआ है, साथ में कॉर्न है, साथ में मशरूम भी है। सच कहूँ बहुत ही टेस्टी, यमी पास्ता। अब ट्राई करते हैं। बलो, ये है चिकन बर्गर,
करते हैं, चिकन को अच्छे से रोस्ट करके डाला गया है, ऊपर से चीज है, ऑलिव्स है, ग्रीन ऑलिव्स। जनरली जब हम बाहर बर्गर लेते हैं तो जो अंदर की पैटिस होती है, जो चिकन की रहे या वेज की रहे, थोड़ी पतली होती है, जिसकी वजह से ना ब्रेड का ज़्यादा टेस्ट आता है, चीज़ या वेजिटेबल्स रहते हैं। बट इन्होंने जो चिकन का पैटिस डाला हुआ है ना, वो काफ़ी थिक है, मतलब पूरा चिकन का टेस्ट आ रहा है, ये देखिए बहुत थिक पैटिस है। शोरमा भी जैसे होगा, बट नहीं, ये जो इनकी रोटी है ना, एकदम पतली सी है, अंदर इन्होंने मायोनीज डाली हुई है, चीज डाली हुई है, चिकन है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, सॉसेज हैं, बस एक बाइट और खा के देखते हो। मायोनीज काफ़ी मात्रा में डाला गया है, जिसकी वजह से जैसे ही हम लोग बाइट लेते हैं ना, पूरा मुंह में मायोनीज घुल जाता है। ये देखिए जो रोटी है ये एकदम पतली है, और अंदर ये चीज़ काफ़ी अच्छे से, ये बीटरूट और वेजिटेबल्स, चिकन, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। लेकिन अगर आपको मायोनीज कम लग रही है ना, तो उन्होंने साथ में और मायोनीज दी हुई है, डाल के खा सकते हैं, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, इसमें काफ़ी अच्छे से मायोनीज और चीज़ डली हुई है। सो अब ट्राई करते हैं दिलखुश कबाब। ये इस चिकन में स्टफिंग की हुई है, देखते हैं किस चीज़ की स्टफिंग की हुई है। चिकन ब्रेस्ट को रोल करके बनाया हुआ है, ये देखिए ये चिकन ब्रेस्ट को एक चीज को अंदर स्टफ करके रोल किया गया है। जैसा नाम वैसा काम, तो चिकन दिलखुश कबाब खाकर वाकई दिलखुश हो गए। तो अब ट्राई करते हैं जिसके लिए है लकी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस। जी हाँ, कहा भी जाना है इफ बिरयानी एंड इट्स लकी, सो ट्राई करते हैं बिरयानी। एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है। प्राइस टेस्ट करते हैं। सॉफ्ट टेक्सचर है और टेस्ट बहुत अच्छा है। एक बात बताऊँ आपको, मुझे ना ये बिरयानी खा के ना हैदराबाद की याद आई। मैं हैदराबाद गई हुई थी, वहाँ पर मैंने ऐसी बिरयानी खाई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आज ऐसी बिरयानी खा रही हूँ। इसके साथ अपन थोड़ी सी चिकन कढ़ाई ट्राई करते हैं। चिकन तो जैसे मैंने आपको दिखाया बिरयानी में ही इतना सॉफ्ट है,
जिनके यहाँ बिरयानी में इतना सॉफ्ट चिकन है, तो कढ़ाई में तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बट जैसे मैंने इनको बोला था कि लेस स्पाइसी रखने के लिए, वैसे इन्होंने पूरी तरह से लेस स्पाइसी रखा हुआ है। और एकदम अब ये कह सकते हैं कि ज़्यादा कुछ ओवरलोडेड मसाले नहीं है, कुछ ओवरलोडेड इसमें मलाई क्रीम ये सब नहीं डाला गया है। सिंपल सी चिकन कढ़ाई बना रही है जिसकी टेस्ट बहुत अच्छी आ रही है। खाना तो हो चुका है, अब ट्राई करते हैं कैरमलाइज कस्टर्ड। रियली टू यम्मी, बहुत ही अच्छा, प्रॉपर कैरमल किया हुआ है। कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। तो इसी चॉकलेट के साथ मैं करती हूँ अपनी आज के इस ब्लॉग को। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।